करके दिखाते हैं आपको। इसी प्रकार से आपको पानी में जंप करना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से तैरना है। बहुत सारा कमेंट आया था कि कैसे तैरना है, क्या करना है, तैर नहीं पाते हैं। तो अब ठंडा खत्म हो गया है, सब लोग, अब गर्मी का दिन आ गया है, सब लोग तैरना चालू कर दिए हैं, तैरते भी हैं। सबसे पहले आपको हाथ किस प्रकार से चलाना है और पैर किस प्रकार से चलाना है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तैरने के लिए ये दो पैर और हाथ किस प्रकार से चलाना है बहुत ज़रूरी है। अगर पैर हाथ अगर आपका नहीं चल पाएगा अच्छे तरह से तो आप पानी में नहीं तैर पाएगा। पानी में तैरने के लिए सबसे पहले रिस्क नहीं उठाना है, कंधा तक पानी में जाना है, डाँड से ऊपर कंधा तक पानी से ऊपर नहीं जाना है। अगर कंधा से पानी ऊपर जाइएगा कोई दिक्कत हो जाएगी तो समस्या हो जाएगा, समझते हैं आप। चलिए सबसे पहले हाथ किस प्रकार से चलाना है, हाथ इस प्रकार से चलाना है आगे बढ़ने के लिए। देखिए वीडियो में जिस प्रकार से हम चला रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी चलाइएगा। हाथ इस प्रकार से चलाना है पानी में तैरने के लिए। हाथ का ये भूमिका हो गया और पैर का भूमिका बता रहे हैं आपको। पैर साइकिल जिस प्रकार से चलाते हैं उस प्रकार से चलाना है, इस प्रकार से पैर चलाना है। अगर इस प्रकार से पैर चलाते हैं तो आप ऊपर रहिएगा, देख सकते हैं कि हम भी ऊपर हैं और हाथ बता ही दिए किस प्रकार से चलाना है। अब चलिए हम तैर के दिखाते हैं। इसके बाद बहुत डुबाव है भीतर, पता नहीं कितना डुबाव है। वीडियो अच्छा लगे तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। इसी प्रकार से आपको तैरना है। आपको लग रहा है कि आप सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो नीचे लिंक में दिया गया है डब्बा के सहारे कैसे तैरना है। आज से 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ था, उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को। चलिए फिर से बताते हैं, हाथ किस प्रकार चलाना है, पैर किस प्रकार चलाना है। सीरियसली इसी तरीके से आपको चलाना है और कहीं ध्यान नहीं भटकाना है और डुबाव पानी में नहीं जाकर सीखना है। अगर 12 हाट के आसपास हैं तो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मेरा दिया गया है। हाथ इस प्रकार चलाना है, हाथ आपको इस प्रकार चलाना है किसी भी सूरत में। इसी प्रकार से हर बार हाथ चलाना है। अगर दूसरे तरीके से चलाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। पहले बार गए सीखने और दूसरे तरीके से चलाइएगा हाथ, चाहे कुछ भी कीजिएगा तो डूब जाइएगा। इसी तरीके से हाथ चलाना है और पैर आपको बता देना किस तरह से चलाना है। देख पा रहे होंगे वीडियो में पैर किस प्रकार चलाना है, जिस प्रकार से हम लोग साइकिल चलाते हैं। आप लोग बचपन में साइकिल जरूर चलाए होंगे, जिस प्रकार से आप लोग साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार से आपको पैर चलाना है। अगर आप पैर और हाथ एक साथ नहीं चला पा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक पानी में डूबिएगा। और नहीं चला पा रहे हैं तो आपको करना यही है कि 5 मिनट तक पैर जिस प्रकार से हम चला रहे थे उसी प्रकार से आपको चलाना है। और पानी में जितना पानी में हम हैं उतना पानी में जाप कर आपको हाथ उसी प्रकार से कंटिन्यू चलाना है। 5-5 मिनट ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको पानी में जाना है। अपने साथ किसी बड़े बुजुर्ग को ले लेना है, देख लेना है कि पानी इतना ही पानी में जाना है, इससे अधिक पानी में नहीं जाना है। और पैर और हाथ का कम्युनिकेशन दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर एक साथ पैर हाथ का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप पानी में डूब जाइएगा। फिर से हम आपको तैर के दिखाते हैं कितना दूर से तैरना है और घूमना। यदि आप तैरने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको तैरना है।